गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ डॉक्टर नंदा सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में भ्रमण विधि के अंतर्गत आज हम भ्रमण का आयोजन विद्यालय में किस प्रकार से करेंगे, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, सोपान जिनके आधार पर हम भ्रमण का आयोजन या एक सफल भ्रमण का आयोजन करके अपने बालकों के अधिगम स्तर को उच्च कर सकते हैं, साथ ही उसे भ्रमण के माध्यम से जो प्राकृतिक है, जो ऐतिहासिक स्थान है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उनकी रियल एक वास्तविक अनुभव प्रदान कर सकते हैं जो उनके अधिगम में वृद्धि करेगा। तो आज हम इसी की स्टडी करते हैं। तो इसमें भ्रमण के आयोजन में सबसे पहले भ्रमण आयोजन का आयोजन करते समय कुछ इसके सोपान हैं। हम इस सोपान के आधार पर भी इसके भ्रमण के आयोजन संबंधी गतिविधियों का उदाहरण करेंगे। इसमें पहला है शैक्षिक भ्रमण का आयोजन। भ्रमण से पूर्व नियोजन, यानी भ्रमण से पहले आपको किन किन बातों का इस भ्रमण के आयोजन करते समय ध्यान देना है, उसमें सबसे पहला है कि हमारे भ्रमण के जो उद्देश्य हैं, हमें पहले उन उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए जो शिक्षक है वह और साथ ही जो स्कूल के हेडमास्टर हैं उनके साथ मिलकर के भ्रमण की रूपरेखा बनाने से पहले भ्रमण के उद्देश्य, हम किस उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए भ्रमण का आयोजन करें, वो सारे हम डिसाइड करते हैं। दूसरा इसमें है भ्रमण के लिए जो भी स्थान है, समय है तथा तिथि का निर्धारण करना कि किस दिनांक को हम भ्रमण के लिए बालकों को लेके जाएंगे, कौन सा स्थान होगा, किस समय हमें लेके जाना है, उस सब के बारे में एक तरह से मीटिंग बुला करके या प्रधानाध्यापक से हम चर्चा करके इस बात को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट में है यात्रा के साधन। अगर वाहन पास में है तो हम नॉर्मल जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर दूर है तो जो टूरिस्ट बसेस हैं उसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यात्रा के साधन, तो इन यातायात के साधनों का प्रयोग हम इस भ्रमण के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्थान के अधिकारियों से अनुमति। अब इस भ्रमण के लिए हम बालकों को जिस स्थान पर लेके जा रहे हैं, चाहे चिड़ियाघर है, संग्रहालय है या कोई और प्लेसेस हैं, तो वहाँ के अधिकारी या वहाँ की जो और प्रशासन चलता है उस प्रशासनिक अधिकारी से हम पूर्व में ही अनुमति ले
बनाएं और समूह में जो है एक एक मॉनिटर या हाउस, अगर स्कूल में बने हुए हैं तो हाउस के अनुसार एक एक उसका सीआर या हाउस इंचार्ज या अध्यक्ष होता है वो बना हुआ ही होता है, तो उसके आधार पर पालकों को निर्देशित करें और एक स्थान पर एकत्रित होने का निर्देशन दें। दूसरा इसमें है कि अनुशासन का ध्यान रखें और इसकी समस्त जवाबदारी समूह की मॉनिटर या सीआर को दे दी जाए। तीसरा इसमें है कि भ्रमण के समय बालकों को जो भी सूचना या तथ्य या जानकारी आदि एकत्रित करनी है उसके लिए शिक्षक पूर्व में ही बालकों को बता दें कि आपको भ्रमण के उस स्थान पर जाने के बाद आपको ये सूचनाएं एकत्रित करनी है। ये बताने के बाद अगर इन सूचनाओं के संबंध में या भ्रमण के वह स्थान पर पहुंचने के बाद बालकों को जो भी समस्याएं आती है तो इन समस्याओं का शिक्षक द्वारा समय समय पर समाधान किया जाना आवश्यक है। साथ ही इसके लिए शिक्षक बालकों को नोटबुक साथ में ले जाने, क्योंकि समस्त जानकारी नोटबुक के अंदर ही एकत्रित करनी होगी। साथ ही पानी की स्वयं की व्यवस्था है, भोजन की स्वयं की व्यवस्था है, वो सब ले जा करके रखनी है। तो इस प्रकार से ये सारी गाइडलाइन भ्रमण के आयोजन के समय शिक्षक द्वारा बालकों को देनी चाहिए और एक एक लाइन बना करके बालकों को जिस ट्रांसपोर्ट का साधन हमने यूज किया है समूह के अंदर प्रॉपर रूप से व्यवस्थित करके बिठाएं और भ्रमण के स्थान पर ले जाएं जिसमें पूरी सुरक्षा और सावधानी का ध्यान रखें। बालकों को ऐसा ना हो कि बहुत ही अनुशासनात्मक टाइट शेड्यूल के अंदर रखना है, बल्कि बालक को भ्रमण में जाते समय ऐसा महसूस होना चाहिए कि मनोरंजन के साथ साथ अधिगम बालकों का हो रहा है, तो इन सब बातों का ध्यान शिक्षक स्वयं रखें। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो भ्रमण के आयोजन के समय शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। अब थर्ड है भ्रमण के पश्चात या हम कह सकते हैं कि भ्रमण के पश्चात शिक्षक को क्या क्या आवश्यक काम करने चाहिए। सबसे पहले शिक्षक को जो कार्य करना चाहिए कि भ्रमण के दिन के पश्चात जिस दिन हम बालकों को भ्रमण के लिए लेके गए हैं उसके नेक्स्ट डे हम बालकों को जो भी भ्रमण के दौरान बालकों ने अवलोकन किया है या अधिगम किया है तो इस अवलोकन पर या से जो भी सूचना या तथ्य या जानकारी बालकों ने प्राप्त की है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसके लिए सर्वप्रथम बालकों को शिक्षक निर्देशित करें कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात भ्रमण के समय
विचार विमर्श के दौरान प्राप्त करने हैं। ये हमें भावी भ्रमण के लिए एक दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। इसके पश्चात शिक्षक बालकों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें कि बालकों ने इस भ्रमण के दौरान किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो मूल्यांकन करने के पश्चात बालकों को भी दिशा निर्देश शिक्षक प्रदान करें। तो ये समस्त कार्य भ्रमण के आयोजन के लिए आवश्यक है। तो इन तीन सवालों का अनुसरण करते हुए शिक्षक अपने विद्यालय में एक सफल भ्रमण का आयोजन कर सकता है। अब आज का होमवर्क आपका इस प्रकार से है। भ्रमण के आयोजन के सोपान लिखिए। तो आपको ये जो तीन सोपान बताए गए हैं इनको लिखना है। साथ ही आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। आप जब भी कॉलेज आएँ अपने साथ साथ एक और असाइनमेंट के रूप में 5-5 बॉक्स बना के लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, हाइप हो या अदर फेसबुक हो, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव के उपाय हेतु पोस्टर बनाइए और अपने कॉलेज में भी लेके आइए क्योंकि अपने कॉलेज में पेपर लगाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए भ्रमण के आयोजन से संबंधित अच्छी जानकारी देगा। थैंक यू।